Hello friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us start with integration. In the last video, we have completed up to 3.2b exercise. Now let us start with the 3.2c. ठीक है? अब देखते हैं कि 3.2c में क्या concept है. तो हम लोग ने type 6 तक complete कर लिया था. अब type 6 के आगे हम लोग लिखेंगे type 7. Topic name हमारा जाएगा क्या? Integration. और इसमें हम लोग को जो स्टार्ट करना है वो रहेगा टाइप, आज की जो बात करनी है टाइप 7. टाइप 7 में हमारे पास क्या होगा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स होगा. या फिर हमारे पास क्या चीज होगी कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स होगा. ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो इस पे सॉल्व किए थे, तो 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने 3.2 के एक्सरसाइज में किया. तो 3.2 में ए में हम लोग ने ये देखा कि अगर 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक को हम लोग बाइनोमियल में कन्वर्ट करते हैं. आइदर ये फॉर्मूला कन्वर्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, और उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. अब हमारे पास में ये क्या है, ये उसी टाइप का कंटिन्यूएशन दिया हुआ है. आप लोगों को मैं बताया था कि ये जो टाइप है जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लीट स्क्वायर मैथड. तो जो कम्प्लीट स्क्वायर मैथड की जो टाइप है ये बहुत ज़्यादा रिपीट होगी. तो हम लोग ने देखा कि 3.2 में भी, 3.A में भी आया, B में भी आया, अब ये C में भी है. तो अब यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ ऊपर एक लीनियर फॉर्म आ रहा है पी एक्स प्लस क्यू और नीचे क्वाड्रेटिक है. इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, लीनियर फॉर्म नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट ऊपर रहेगा, कांस्टेंट में ऊपर 10 20 कुछ भी आ सकता है. तो कांस्टेंट विल बी देयर, ठीक है, लेकिन लीनियर फॉर्म नहीं रहेगा. और इसमें क्या है, लीनियर फॉर्म ऊपर रहेगा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है. अगर लीनियर फॉर्म ऊपर है तो अब देखो इसके तीन टाइप होंगे, ये तीन केस हो सकते हैं. एक केस क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स में इनिशियली में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, इस पर किया था कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स में तीन केस हो सकता है. पहला केस क्या होता है कि पावर ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वो पावर ऑफ जी ऑफ एक्स से क्या होगा, बड़ा होगा. यानी यहाँ अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्यूबिक या क्वार्टिक यानी पावर चार है ना, डबल क्वाड्रेटिक ऐसा रहेगा. तो उसके लिए हमको क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड इट है ना, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. तो हम लोग डिवीजन यूज करते हैं, ठीक है. और सेकंड केस क्या होगा कि पावर ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा पावर ऑफ जी ऑफ एक्स. इस सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर पावर इक्वल होता है तब भी हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या फिर उसको एडजस्ट करते हैं. डिवीजन और एडजस्टमेंट, डिवीजन होगा या हम लोग उसको डिनोमिनेटर को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, तो एडजस्टमेंट होगा. और तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस ये होता है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर. अब पावर ऑफ डिनोमिनेटर से क्या रहेगा, कम रहेगा. तो ये वाला केस है, तो पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे अभी वो हमको भी सीखना है. तो एक ये चीज है. दूसरा चीज इधर पे पॉसिबल हो सकता है कि वी कैन अप्लाई f डैश x अपॉन f ऑफ x मेथड, f डैश x अपॉन f ऑफ x, ठीक है. तो लास्ट वाला जो केस हमारा था, अब वो हमारा केस है कि px plus q upon ax square plus bx plus c, अगर ऐसा आ जाए यानी न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से अगर कम आ जाए तो एक मेथड हमारे पास f डैश x अपॉन f ऑफ x वाला है. अब दूसरा मेथड क्या है वो हम लोग देखेंगे इधर पे. तो ऐसे केस में हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू राइट न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी. क्या लिखेंगे हम लोग, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी. एक केस ऐसा है था जिसमें टाइप में बताता है कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स आएगा और सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स आएगा, या फिर a इरेस टू x प्लस b होगा या c इरेस टू x प्लस d ऐसा रहेगा. तो इसमें भी हम लोग ने इस टाइप का यूज किए थे कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू, उस टाइप में हमने क्या लिखा था, a इनटू
क्या लिखा था आपको याद है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या आएगा, स्प्लिट करेंगे a इनटू डिनोमिनेटर प्लस b इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मेट लिखा था उधर पे। यहां पर क्या करना है हम लोगों, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड देन b। अब इसके अंदर हम लोगों के पास में a और b कांस्टेंट्स रहेंगे, इस कांस्टेंट को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे इस वाले में किए थे हम लोग ने, और कंपेयरिंग करने के बाद में ए बी जो आएगा हमको न्यूमरेटर के इस फॉर्मेट में रख देना है। इसको जब रख देंगे यहाँ पर तो किस फॉर्म में बन जाएगा, देखो ये हमारे पास में आ जाएगा ए इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी अपॉन, अब जो भी हमारा डिनोमिनेटर है ये वाला डिनोमिनेटर है इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब अगर इसको मैं सेपरेट करता हूँ ए इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डी प्लस बी अपॉन डी डी एक्स, तो देखो ये हमारा क्या बन गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स बन गया, ये वाला एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स जिसका आंसर होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये जगह लॉग ऑफ डिनोमिनेटर और ये हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट बाहर बन जाएगा। अच्छा ये बी कांस्टेंट है तो ये हमारा टाइप बन जाएगा वन अपॉन, जो भी लिखा था वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब सेम पैटर्न अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ आएगा कि न्यूमरेटर a into derivative of denominator plus b upon root of denominator ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास a into d dash upon root d plus b upon d आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, f dash x upon root of f of x, ये हम लोग ने पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज नथिंग बट 2 root of f of x, तो ये फॉर्मूला आपको इधर पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आता है एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है वो दोनों में सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। तो ये समझ में आ गया, ये हमारा प्रोसीजर रहेगा इस टाइप के, जब भी टाइप हम लोग देखेंगे तो हमको इस प्रोसीजर से सॉल्व करना है। फर्स्ट वी विल राइट न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सब्स्टिट्यूट हियर इन द न्यूमरेटर एंड सेपरेट द डिनोमिनेटर, then we'll follow the other question, ठीक है? Let's see the next question. Now let's see the question. Exercise 3.2 question 3.2 C question number 1. It's 3x plus 4 upon x square plus 6x plus 5. So this is linear form 3x plus 4 px plus q, and this is our quadratic form x square plus 6x plus 5. So we'll apply the type 7. So type 7 में क्या बताया मैंने? We'll suppose here let क्या सपोज करेंगे हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर दैट इज 3x plus 4 इज इक्वल टू a into डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट प्लस b, ये कांस्टेंट हमने तो पुट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर 3x plus 4 ये एज इट इज रहेगा a, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है 2x plus 6x का डेरिवेटिव 6, y का डेरिवेटिव 0 प्लस b, गिव इट एज इक्वेशन 1। अब हमको a और b की वैल्यू निकालना है जैसे, तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3x plus 4 जाएगा 2ax plus 6a plus b, अब कंपेयर करो तो यहां से जो 2a है ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो गया, यानी इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 3/2, एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ से कंपेयर करो कि ये पूरा पूरा जो हमारा कांस्टेंट है 6a plus b और वो किसके बराबर है 4 के बराबर है, तो हो जाएगा 6a plus b equal to 4, a की वैल्यू हम लोग ने निकाला 3/2 रख दे इधर पे 6 into 3/2 plus b equal to 4, so it is 2 1 2 3 3 3 9, so b is equal to 4 minus 9 which is equal to minus 5। तो हमारे पास a की वैल्यू b की वैल्यू आ गई। अब इसको करना क्या है, इसको जस्ट एज इट इज द वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में, तो क्या करेंगे इधर पे पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, सो देयरफॉर न्यूमरेटर इज 3x plus 4 इज इक्वल टू a हमारे पास कितना आया 3/2 और डेरिवेटिव हमारे पास है 2x plus 6 और b कितना आया -5, क्या आ गया। नाउ पुट दिस न्यूमरेटर कंप्लीटली एज इन द क्वेश्चन, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन इज ये 3x plus 4 है इसकी जगह मैं लिखूंगा 3/2
2x plus 6 minus 5 upon denominator क्या है हमारे पास में x square plus 6x plus 5 dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन निकालो और 2 को काट दो, तो फिर क्या होगा, अगर हमने इसको सिंपलीफाई करने गए तो हमको फिर से 3x plus 4 मिल जाएगा। तो do not do any calculation here, सिर्फ हमको क्या करना है, a और b की वैल्यू निकाल के एज इट इज रख देना है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं करना है। ये आपको कितना भी लालच दिया है, अरे कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने कैंसिल किया मतलब यू आर डूइंग द रिवर्स प्रोसेस, तो हम लोग को रिवर्स प्रोसेस नहीं करना है। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट की, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, हमने सब्सिट्यूट कर दिया। अब थर्ड स्टेप है सेपरेट द डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाय 2 इट्स 2x plus 6 अपॉन इट्स x स्क्वायर plus 6x plus 5 dx एंड माइनस इट्स 5 अपॉन x स्क्वायर plus 6x plus 5 dx, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये 3 बाय 2 कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, इट्स f डैश x अपॉन f ऑफ x, f डैश x अपॉन f ऑफ x का आंसर क्या होगा, 3 बाय 2 log ऑफ f ऑफ x x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। और ये इंटीग्रेशन 5 बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन यहां जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, ये एज इट इज रहेगा। अब हमने हाफ इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया और हाफ इंटीग्रेशन वैसे ही रखा है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन पुट प्लस c1, ये c1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऑफ दिस फर्स्ट इंटीग्रल, इसका c1 कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बना के, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x के जो कोफिशिएंट है उसका आधा करते हैं, तो x का कोफिशिएंट इधर पे 6, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर करो, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो हमको प्लस 9 माइनस 9 ऐड कर सबट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको एज इट इज मैं लिखता हूं, माइनस 5 1 अपॉन क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 5 माइनस 9 dx प्लस c1। अब यहां ये एज इट इज पूरा टर्म वैसे चला जाएगा, 5 ये बन जाएगा हमारे पास क्या, फर्स्ट 3 टर्म्स का क्या हो जाता है, बाइनोमियल का स्क्वायर, तो फर्स्ट 3 टर्म में देखते हैं, तो फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर रूट, सेकंड टर्म की sin, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट द होल स्क्वायर, ये आएगा 5 माइनस 4 यानी कि सॉरी 5 माइनस 9 माइनस 4 ये माइनस हो गया, 4 को आई कैन राइट इट 2 स्क्वायर एंड देन dx plus c, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है, तो ये पोर्शन तो हमारा सेम रहेगा, यहां पर फर्स्ट वन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 3 बाय 2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस, अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इट्स माइनस 5 अपॉन क्या आता है, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन 2a, a क्या है हमारे पास 2, तो 1 अपॉन 2 into 2 log ऑफ क्या आता है x माइनस a, तो x माइनस a x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 2 x माइनस a अपॉन x प्लस a, और फाइनली हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब यहां पे हमने c1 लिखा हुआ था, इस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट क्या आएगा, c2 आएगा, और c1 c2 दोनों कांस्टेंट है, हम क्लब करके एक ही कांस्टेंट लिखेंगे प्लस c, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब लिखेंगे 3 बाय 2 इट्स log ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5 बाय 4 log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 प्लस c, ये अपना आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है इसके, आपको अब अगर ये रूट में होता तो क्या होता, सिर्फ रूट में होता तो सिर्फ यह फॉर्मूला चेंज होता, यहाँ f डैश x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x का फॉर्मूला आता है रूट टू रूट ऑफ f ऑफ x, बस वो अप्लाई करना है, बाकी एज इट इज हमको करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते इसका, नाउ इट्स px plus q, px plus q की जगह दिया आपको 2x plus 1 और नीचे क्या दिया x square plus 4x minus 5, तो हमारा प्रोसीजर क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या करना है a into derivatives of denominator plus b,
मेन जो कंसेप्ट होता है हमारा ना, वो मेन कंसेप्ट ये होता है कि हमको इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करना है। तो एक तो प्रोसीजर मैंने सिखा दिया कि किस तरह से प्रोसीजर में जाके करते हैं, एक मैं आउट ऑफ द प्रोसीजर बताता हूँ कि हम इसको डेरिवेटिव कैसे करते हैं। मेन इस कंसेप्ट का क्या है कि हमको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में एडजस्ट करना है, बस और कुछ भी नहीं। तो देखो इसका डेरिवेटिव होता क्या है, अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर चेक करूँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, तो इसका डेरिवेटिव होता है टू एक्स प्लस फोर, ये इसका डेरिवेटिव होता है। मुझे ये डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करना है, तो आप देख रहे हैं कि 2x ऑलरेडी 2x इधर पे है। अब इस प्लस वन में अगर मैंने थ्री ऐड कर दिया तो ये प्लस फोर हो जाएगा, तो मैं थ्री अपने से ऐड नहीं कर सकता, तो मैं थ्री ऐड करूंगा, थ्री सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा 2x प्लस फोर और माइनस थ्री, और नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। तो ये जो कैलकुलेशन हमने की है ये डायरेक्ट की है, हमने क्या किया है डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में एडजस्ट कर दिया। इस एडजस्टमेंट को ही हम लोग प्रोसीजर से सॉल्व करते हैं बाय कैलकुलेटिंग ए एंड बी। अब यहाँ पे ए क्या है, यहाँ जो कोफिशिएंट आया वो वन ए है, और बी क्या है माइनस थ्री। तो अब अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपका ए कितना आना चाहिए वन, और बी कितना आना चाहिए माइनस थ्री आना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो अगर ये दिमाग में कंसेप्ट रहेंगे या इस टाइप के क्वेश्चन को हमको क्या करना है डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर में ऐड करना है एडजस्ट करना है, तो बस क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है। देखो अब ये क्वेश्चन में क्या हो गया, अभी हमको सिर्फ सेपरेट करना है, हमने जो इक्वेशन वन में पुट किया था ना पुटिंग इक्वेशन वन, और उसके बाद में उसको एक क्वेश्चन में रखा था, तो वो स्टेप हमारा इधर आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जस्ट सेपरेट द डिनोमिनेटर, ये आपका डिनोमिनेटर सेपरेट हो गया माइनस थ्री अपॉन। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए ताकि जो आपको इजी लग जाए, कुछ बच्चों को टेक्निक समझ में नहीं आती है थोड़ा हार्ड पड़ता है तो वो प्रोसीजर में जाएंगे, और किसी को कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उनको लिए क्या है बहुत इजी हो जाता शॉर्टकट। अब देखो ये क्या हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव नीचे एफ ऑफ एक्स आ गया, आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब हमारे पास आंसर इधर आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस फाइव, ठीक है माइनस 3 को मैंने बाहर ले लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखो इसका मुझे क्या करना है कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बनाना है, तो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में मैं क्या करूंगा x का कोफिशिएंट जो है 4 उसका आधा करूंगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, तो मुझे अभी तक क्या चाहिए 4 चाहिए, तो मैंने 4 लेके आ गया। 4 लेके आने के लिए मैंने क्या किया, मैंने प्लस 4 किया माइनस 4 किया, तो माइनस फोर माइनस फाइव माइनस नाइन बन गया और प्लस फोर इधर आ गया। तो इस तरह से मेरे स्टेप्स बचेंगे और इस तरह से हमारा कैलकुलेशन भी करेक्ट और परफेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग ने इसका इंटीग्रेशन ले लिया है, तो वी कैन पुट हियर प्लस सी वन हाफ इंटीग्रेशन। अब इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट जो ये सेम रहेगा माइनस थ्री, दिस विल बिकम वन अपॉन एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dx प्लस c1। नाउ अप्लाई द फार्मूला, तो 3 अपॉन 1 अपॉन क्या है 2 इनटू a 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a x प्लस a प्लस c। अब जब पूरा इंटीग्रेशन ले लिए तो प्लस c c1 हट गया था सर। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस ये 3 कैंसिल 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ x माइनस 1 2 माइनस 3 और x प्लस 5 प्लस c। क्वेश्चन इजी लगने लगा अभी, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसको। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 2x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो इसको भी जैसे मैंने बताया क्या करना है हमको, ये px plus q का फॉर्म है, यू कैन गो बाय द फार्मूला मेथड या प्रोसीजर मेथड है या फिर मैच ना जो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर यहां पर हमारे पास क्या है, सिंस d by dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या है x स्क्वायर का 2x, तो 2 2 जा 4x प्लस 3। अब हमको क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमिनेटर में।
तो x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 4, यहां कितना है 2 है, तो मैं एडजस्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं 2 से अंदर बाहर मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 1 upon 2 करूंगा यहां पर, और यहां पर 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 था 4x plus 2 3 था 6, मैंने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, अब ये मेरे पास आ गया 2x² plus 3x minus 1, अब मुझे 4x के साथ में 3 चाहिए, ये 6 है, 6 को 3 plus 3 लिख दो, ये आ गया 1 upon 2, ये आ गया 4x plus 3 और plus 3, अलग हो गया 2x² plus 3x minus 1, अब सेपरेट कर दो, तो 1 upon 2, 4x plus 3 upon 2x² plus 3x minus 1, ये आ गया, अब जब हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, ये 3 है, बाहर 1 by 2 है, ये 1 by 2 पूरे इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई, इधर आएगा 3 by 2, और इधर आएगा 1 upon 2x² plus 3x minus 1, dx, ठीक है, अब इसका आंसर तो हमको मालूम है, ये f'x upon f(x) है, तो ये log of f(x) आ जाएगा, अब इसके आंसर के लिए हमको क्या करना है, x² को जो भी कोफिशिएंट उसको पहले बाहर लेते हैं, तो पहले उसको बाहर ले लो, तो यहां हमारे लिए आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 upon 2 log of the denominator 2x² plus 3x minus 1 plus, अब ये 2 में बाहर लूंगा तो 3 by 4 हो जाएगा, और यहां इंटीग्रेशन क्या बचेगा x² यहां 2 नहीं है तो मैं लिखूंगा 3x by 2 यहां 2 नहीं है तो minus 1 by 2 dx क्या आ गया, अब मैंने हाफ इंटीग्रेशन ले लिया है तो मैं लिखूंगा plus c1 ये लिख देंगे, अब आ गया, अब ये सेम कॉमन चलेगा कोई चेंजेस नहीं इसमें plus 3 by 4 अब हमको क्या करना है जो भी x का कोफिशिएंट है उसका आधा करना है तो 3 by 2 का आधा क्या होगा 3 by 4 3 by 4 का स्क्वायर 9 by 16 तो मैं लिखूंगा x² plus 3x by 2 plus 9 by 16 minus 1 by 2 minus 9 by 16 dx plus c1 समझ में आ गया अब इसको स्क्वायर कर दो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बनाओ कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे तो ये क्या होगा ये पोर्शन से चलेगा 3 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये बन जाएगा x plus 3 by 4 का होल स्क्वायर माइनस अब ये 16 है तो इसको 16 बनाने के लिए मैं क्या करूं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं 8 टू द 16 तो ऊपर भी आया 8 तो ये -8 -9 -17 -17 मतलब √17 by 4 का होल स्क्वायर आ रही बात समझ में हमने कैलकुलेशन किया इसका माइनस इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया 8 by 8 -9 by 16 सो दिस विल बिकम -17 by 16 तो माइनस मैंने इधर रखा और 17 का रूट 17 16 का 4 और उसका स्क्वायर कर दिया अब अप्लाई कर दो आंसर फाइनली क्या होगा ये चल रहा हमारा हाफ ऑफ दिस लॉग प्लस 3 by 4 इसका आंसर क्या आएगा 1 upon 2a ये क्या हमारे पास रूट 17 by 4 log of क्या x minus a x plus 3 by 4 minus a upon x minus का plus ठीक है ये हमारे पास आ गया plus c अब यहां से हमको क्या दिख रहा है ये 4 4 कैंसिल दिख रहा है यहां पर भी हमारे पास क्या 4 कॉमन ले लो फाइनली वी कैन राइट आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ log of 2x² plus 3x minus 1 plus यहां क्या बचा ये 4 कैंसिल हो गया तो 3 by 2 root 17 बचा log of इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 इधर ले लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x plus 3 minus root 17 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x plus 3 plus root 17 plus c ये आपके पास आंसर आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को इजी पड़ जाते हैं और इसको हम लोग इजीली मतलब सॉल्व कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी अब रूट वाला देख लेते हैं कि अगर रूट में रहेगा तो क्या करेंगे हम ठीक है तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 रूट के अंदर दो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 हम लोग क्या करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं
क्वेश्चन नंबर फोर भी जो अब तक के जो तीन क्वेश्चन हुए हमारे ना सिमिलर उसी टाइप का चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो लेट्स सी दैट वन। अब ये रूट वाला है तो पहले हम इसको प्रोसीजर से सॉल्व करते हैं। तो प्रोसीजर हमारे पास क्या है, हम लोग सपोज करेंगे कि लेट न्यूमरेटर दैट इज 7x + 3 इज इक्वल टू a * d / dx ऑफ, अब उसमें हम लोग लेते हैं d / dx ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में यहां रूट है तो हम लोग डिनोमिनेटर नहीं लेंगे, हम लोग रेडिकेंड लेंगे, यानी वहां पर हमारा डिनोमिनेटर क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो एज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग वहां ले रहे थे, और यहां हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रूट के अंदर है, तो हम d / dx ऑफ क्या लिखेंगे, रेडिकेंड। तो रेडिकेंड हमारे पास ये है, ये लिखेंगे 3 + 2x - x2 ठीक है + b। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो, 7x + 3 इक्वल टू a, 3 कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, 2x का 2 - 2x + b, गिव इट एज इक्वेशन 1। अब इसको a और b कैलकुलेट करो, सो देयरफॉर 7x + 3 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आएगा और ये कांस्टेंट b के साथ ले लो, फिर क्या आएगा माइनस 2ax। अब कंपेयर करो, यहां x का कोएफिशिएंट माइनस 2a है और यहां x का कोएफिशिएंट 7 है, तो बोलेंगे माइनस 2a किसके बराबर हो गया, 7 के, तो a किसके बराबर हो गया, माइनस 7 / 2 के बराबर हो गया, ठीक है। सिंपल सी है, पहला से नहीं कंपेयर करना है, हमको x का x से कंपेयर करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करना है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, 2a + b किसके बराबर है, 3 के बराबर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के साथ इक्वेट होगा, इसको इधर रख देंगे तो माइनस 2 * 7 / 2 + b इक्वल टू 3, तो 2 2 कट गया, माइनस 7 उधर जाएगा, प्लस 7, तो 3 + 7 b कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसको रख दो फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास हो गया 7x + 3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हम लोग निकाले माइनस 7 / 2, a क्या है 2 - 2x + b की वैल्यू हमने अपने निकाला 10। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एज इट इज उठा के न्यूमरेटर में रख देंगे, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, न्यूमरेटर की जगह ये रखेंगे तो माइनस 7 / 2 2 - 2x + 10 ठीक है, और नीचे क्या रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx ठीक है। इससे पहले भी समझा चुका हूं, अब ये 2 कॉमन दिख रहा है, कैंसिलेशन कुछ नहीं करेंगे ठीक है। अब सेपरेट कर दो तो यहां आ जाएगा क्या माइनस 7 / 2 2 माइनस 2x, नीचे आ जाएगा रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस इसको लिख दिया 10 बार 1 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हमारा हो गया f डैश x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस 7 / 2 एज इट इज रहेगा, इसका मतलब 2 रूट ऑफ ठीक है ये एज इट इज आ जाएगा। अच्छा अब यहां मेन हमारा काम शुरू हो जाता है, अब यहां इसको क्वाड्रेटिक बनाना है, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, 2 का आधा 1। अब 1 हमको क्या करना है ऐड और सबट्रैक्ट, तो याद होगा आप लोगों को क्या बताया था, ऐड और सबट्रैक्ट में हम लोग ये देखते हैं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर माइनस है तो माइनस वाला उसके साथ जाएगा, प्लस वाला कांस्टेंट के साथ आएगा, तो मैं यहां लिखूंगा प्लस 10 1 अपॉन इसके साथ प्लस करूंगा तो 3 + 1 तो ये 4 हो गया, मैं इसको 4 लिख दिया और माइनस 1 + 2x माइनस x स्क्वायर dx प्लस c1, ये c1 का आएगा है, सीवन इसका जो इंटीग्रेशन हमने ले लिया। अब ये दूसरे टू कटता है, काट दो माइनस 7 रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10, यहाँ क्या होगा यहाँ पे हम लोग 4 का लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस साइन कॉमन लेंगे, एक्स का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स सेकेंड। अब जब देखो यहाँ माइनस साइन हम लोग कॉमन ले रहे हैं, गड़बड़ कर दोगे ना, तो तुम लोग पहले माइनस साइन कॉमन ले लो, ये लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये फॉर्मेट आएगा। अब इसका फॉर्मेट में लिखो तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, ये फर्स्ट टर्म हमारा इंटीग्रेशन सेम रहेगा प्लस 10। अब ये जो हमारे पास फॉर्मेट आएगा, अब आएगा वो रूट ऑफ
टू स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर dx. Now it is 1 upon root of a square minus x square. Formula याद आया? सोचो sin inverse apply करो इधर पे plus 10 sin inverse of x upon a plus c. ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास में first term हमारा क्या है इसका minus 7 of this thing and then this. ये अपना answer हो जाएगा. तो ये रूट वाला भी क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया. Now let us see the question number 6. The integration of root of x minus 7 upon x minus 9. इस में हम लोग क्या देख रहे हैं? इस टाइप के लिए हम लोगों ने बताया था कि हमारा जो स्पेशल टाइप है वो टाइप हमारे पास क्या होगा? ये होना चाहिए p x plus q upon a x square plus b x plus c, या फिर क्या होना चाहिए? p x plus q upon root of a x square plus b x plus c. इन दोनों में से कोई भी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इनटू डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b. तो अब देखो ये दोनों टाइप है और वो उस तरह से दिया हुआ है. तो एक तक इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग ने इसके रूट वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किए दोस्तों भी किए थे. ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, ये x - 7 है इसका जो है स्क्वायर लेंगे हम लोग. x - 7 का क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे. तो जब x माइनस सेवन का स्क्वायर लेंगे मतलब क्या करेंगे हम लोग? x माइनस सेवन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पर जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो ये क्या जाएगा? x माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन और यहाँ जाएगा x माइनस नाइन एक्स माइनस सेवन डी एक्स. तो ये x माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन ये बन गया x माइनस सेवन का स्क्वायर. ये हट जाएगा x माइनस सेवन आ जाएगा और यहाँ रूट ऑफ हमारे पास आ जाएगा x minus 9 and x minus 7. अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा और हमारा यह जो टाइप है px plus q upon ये उधर पे आ जाएगा. तो ऐसे टाइप में जब भी रहेगा तो क्या करना है आपको? न्यूमरेटर में जो भी फैक्टर होगा उसको ऊपर नीचे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ताकि न्यूमरेटर का स्क्वायर हो जाए, न्यूमरेटर बाहर आ जाए. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा x minus 7 नीचे x into x ये आ गया x square minus minus 9 minus 7 16x minus minus plus 9 7 था 63 dx. ये हमारे पास आ गया इसका. अब इसको सॉल्व कर लो. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रोसीजर में जा सकते हैं. तो प्रोसीजर में भी जा सकते हैं. और दूसरा मैंने क्या बताया था कि हम जो है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एडजस्ट करके भी जा सकते हैं. तो इसका एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 मैंने प्रोसीजर से बताया हूं. अब एक क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट बता देता हूं. तो इसका डेरिवेटिव पे गौर करेंगे जो रेडिकल है d/dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 है. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x माइनस 16. अब यहां हमसे ये डिमांड कर रहा है कि x का कोएफिशिएंट 2 हो और यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है. तो 1/2 कर दो तो यहां इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2. ये हो जाएगा 2x minus 7 to the 14 और नीचे हो गया root of x square minus 16x plus 63 dx. अब इसके coefficient में क्या चाहिए? minus 16 चाहिए. यहाँ कितना है? minus 14 है. तो minus 2 plus 2 कर दो उसके अंदर. ये हो गया आपका 1/2 2x minus 16 plus 2. तो ये बन गया आपका derivative. सारी बात समझ में? पहले डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लो x का कोएफिशिएंट क्या, उसको एडजस्ट कर दो, फिर नंबर को एडजस्ट कर दो. अब क्या सेपरेट कर दो? सेपरेट क्या? 1 / 2 2x - 16 ये आ गया अपने पास में क्या? x स्क्वायर - 16x + 63 ये हो गया f (x) √ f (x). और इधर सेपरेट करेंगे तो ये 2 है और इंटीग्रेशन के बाहर 1 / 2 है. इधर आ जाएगा 1 / रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63. अब क्या x का कोएफिशिएंट कितना होता है? 16. उसका आधा 8. 8 का स्क्वायर 64. मुझे यहाँ पे 64 चाहिए. ये 63 है ऑलरेडी. प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं तो यहाँ मेरे पास आएगा 1/2. यहाँ आ गया 2 रूट ऑफ द डिनोमिनेटर. ठीक है ना? ये 1 कैंसिल. यहाँ पे क्या हो गया? 1 अपॉन. मुझे 64 चाहिए तो x square minus 16x plus 64 किया
माइनस वन कर दिया। अब ये टू टू कैंसिल, फाइनली मेरे पास वही आंसर आ गया, प्लस ये हो गया क्या वन अपॉन, इसको कर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन इक्वल टू, फाइनली मेरे पास आ गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस 8 द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dx, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, log of x plus root, बस अप्लाई कर दो आंसर, ये root as it is, ठीक है, और यहाँ log of x, x हमारा x minus 8 plus root, जो कि root में है हमारे पास में, x square minus 16x plus 63 plus c, ठीक है। अब मैंने इसको क्यों लिख डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है, इसका सिंप्लीफिकेशन यही है, इसके लिए मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया था, तो दिस इज आवर आंसर, एकदम सिंपल हो जाता है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि टाइप एक्चुअल में बताना क्या चाह रहे हैं, तो मैंने दोनों मेथड आप लोगों को बता दिए, टाइप से भी और विदाउट टाइप, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ और दो क्वेश्चन जो है वो कैसे किए, 7, 8, 9। अब तो 6 में जैसा हम लोग ने किया फैक्टर था ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, वैसे 7 में क्या फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 - x, इसको मल्टीप्लाई किया स्क्वायर हो गया, जाएगा x माइनस ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब ये आपको दे देगा क्या 9 - x और नीचे क्या जाएगा 9x - x2 dx, ठीक है। अब क्या, अब आप चाहे प्रोसीजर से सॉल्व करो या एडजस्टमेंट से सॉल्व करो, दोनों में से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अब जो आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, अब अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। अब देखो इसके अंदर इसमें क्या करना है आपको, ये इस टाइप का है ही नहीं, पुट नीचे जो दिया हमको sin x इक्वल टू t कर दो, क्या कर दो डेरिवेटिव ले लो sin x इक्वल टी, तो sin का डेरिवेटिव क्या आता है cos x dx इज इक्वल टू dt। अब cos x dx हट गया तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3 dt अपॉन 4t² + 4t - 1। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3.2 का a का हो गया, यानी बाइनोमियल जैसे कंप्लीट स्क्वायर का हो गया। अब यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो नॉर्मली, और फिर क्या करते हैं आपको पीछा एडजस्ट करके सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लो इसको इजीली, ठीक है। अब इसके अंदर देखो इसके अंदर क्या है, ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है लेकिन सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में दिया हुआ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो है इसमें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, e^2 2x कॉमन आ रहा है, तो मैं इधर से e^2 2x कॉमन लेता हूँ, तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, ये 3x है, 2x कॉमन लिया e^2x बचेगा -1 और नीचे आएगा e^2x + 1, ठीक है। अब ये जो e^2 2x है ये एक्चुअल में है क्या, ये e^x का स्क्वायर है, और पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये e^2x हो गया, इसका मतलब ये e^x का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर आएगा, ये जब रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा e^2x बन जाएगा, और ये रूट ऑफ e^x - 1 upon e^x + 1 dx। अब पुट कर दो, पुट e^x = t, तो e^x का डेरिवेटिव भी e^x आएगा, e^dx = dt। इसमें सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन हमने अपने किए, तो ये सब्स्टिट्यूशन कहीं पे भी हमारे पास यूज आ सकता है, तो e^dx dt हो गया, और ये आपके पास आ गया t - 1 upon t + 1 dt। अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 जैसा हो गया, अब इसको क्या करो अलग कर दो, अलग करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा t - 1 का स्क्वायर आ जाएगा t + 1 और t - 1 dt, अलग कर दो इसको, तो ये आ गया t - 1 और नीचे, और नीचे क्या होगा a + b - b, ये बन गया t² - 1 dt, है ना। अब t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ऑलरेडी t है, सेपरेट कर दो इसको, तो t / √t²-1 dt - 1 / √t²-1 dt। अब इसका डेरिवेटिव 2t आता है ना, तो 2t आता तो 2 एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग घर पे, तो 2 एडजस्ट कर दो, क्या आएगा 1/2 2t / √t²-1 dt, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास log of t
प्लस क्या जाएगा रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन प्लस सी वन। अब इसका डेरिवेटिव क्या आता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या आता है, टू रूट ऑफ, तो टू रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर क्या देख सकते हो कि यहाँ पे हमको टू एडजस्ट करना है और टू इधर से हटाना है, तो क्या हो जाएगा टू रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन इसका डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। अब टी हम लोग ने क्या रखा था, ई रेस टू एक्स लिया था, रख दो इधर पे, टी हो गया ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, जैसा भी हम लोग ने रिप्लेस किया था, तो ई रेस टू टू एक्स हो गया और यहाँ आ जाएगा ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे पास किसके, जब और ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारे 3.2। अब 3.2C जो था ये पूरा अपने पास में कंप्लीट हो गया इधर पे, तो इसको आप लोग देख लो एक साथ में, कोई डाउट सर्टिफिकेट रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू एक्सरसाइज। थैंक यू।